हेलो दोस्तों, मालवी जायका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीटरूट कटलेट रेसिपी। ये कटलेट खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होते हैं, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और रेसिपी अच्छी लगती हो तो वीडियो पर ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं कटलेट बनाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ कद्दूकस किया हुआ बीटरूट लिया है। इसके बाद हम ले लेंगे एक बड़ा सा बाउल। इसके बाद हम कद्दूकस किया हुआ बीटरूट ले लेंगे और इसका हम पानी निचोड़ते हुए बड़े वाले बाउल में डाल देंगे। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज का आलू लिया है, उसको मैंने बॉईल कर लिया था और साथ में मैंने कॉर्न भी बॉईल कर लिए थे, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम लेंगे चॉप किया हुआ ऑनियन और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाफ स्पून जीरा पाउडर और हाफ स्पून लाल मिर्ची पाउडर और साथ ही हाफ स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून धनिया पाउडर। इसके बाद मैंने लिया है 2 पिंच गरम मसाला, साथ ही हम लेंगे 1 स्पून चाट मसाला पाउडर और 1 स्पून ही हम यहाँ लेंगे आमचूर पाउडर। और यहाँ मैंने 1 स्पून नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। और लास्ट में मैं डाल रही हूँ हरा धनिया। हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहां मैंने डो बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम बनाएंगे टिक्की। यहां मैंने ले लिया एक बाउल, इसमें मैं डाल दूंगी 2 स्पून मैदा और साथ ही मैं यहां ले रही हूं 1 स्पून कॉर्नफ्लोर। इसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा नमक। अब हम इन सभी चीज़ों को मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक पतला घोल बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने पतला घोल बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। छोटी छोटी लोई बनाकर टिक्की बनाएंगे। इस साइज की तो इसी तरीके से हम सारी टिक्की बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने सारी टिक्कियां बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इसमें से एक टिक्की को उठाएंगे और हमारे बनाए हुए घोल में डिप करेंगे। और यहां मैंने लिया है ब्रेड क्रम्ब, इसमें मैं इसकी कोटिंग कर दूंगी। हमें इसकी कोटिंग अच्छे से करनी है। तो मैंने इसकी अच्छे से कोटिंग कर दी है। इसी तरीके से हम सारी टिक्की की ब्रेड क्रम में कोटिंग कर देंगे। तो यहाँ मैंने सभी टिक्की की कोटिंग कर ली है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, हमें मीडियम हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करना है। तो हम सारी टिक्की को इसमें डाल देंगे। अब हम इसे पलट देंगे। तो
यहाँ मैंने बीटरूट कटलेट को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है और इसे बाहर निकाल लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। आपको मेरे बीटरूट कटलेट की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।